नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहे निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। 19 सितंबर को विहार संस्कृत संजीवन समाज पटना की ओर से महान स्वतंत्रता सेनानी और आयुर्वेद के ज्ञाता वैद्यनाथ ओझा की 115वीं जयंती समारोह कंकड़बाग स्थित कोमलम ज्ञान केंद्र में संस्कृत संजीवन समाज के महासचिव डॉक्टर मुकेश कुमार ओझा की अध्यक्षता में मनाई गई। इस अवसर पर उनके पुत्र अमरेंद्र नाथ ओझा ने कहा कि वैद्यनाथ ओझा एक सामाजिक कार्यकर्ता और मानवता के पुजारी थे। वे अपना जीवन पूर्ण रूप से समाज को समर्पित कर दिए थे। गंगा देवी महिला महाविद्यालय के रसायन विज्ञान के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अजय शर्मा ने कहा, नाथ ओझा एक सच्चे देशभक्त थे। अपने अध्यक्षीय भाषण में विहार संस्कृत संजीवन समाज पटना के महासचिव डॉक्टर मुकेश कुमार ओझा ने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए लोग उन्हें प्यार से धन्वंतरी कहा करते थे। स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। वे कभी भी कोई पद नहीं लिए। इस अवसर पर अमित मिश्र, प्रत्युष शुभम, पल्लवी किरण, किरण कुमारी ओझा, अमित कुमार ओझा, विनीत कुमार और पीयूष ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। विहार संस्कृत संजीवन समाज पटना की विशेष रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रधान संपादक सीबीमणि त्रिपाठी, सह संपादक माधुरी। 19 सितंबर को गीतों के राजकुमार गोपाल सिंह नेपाली के अत्यंत लोकप्रिय गीत मृग नयनी पिक बैनी तेरे सामने बांसुरिया झूठी है, अजमल सुल्तानपुरी की रचना, मुसलमा और हिंदू की जान कहाँ है मेरा हिंदुस्तान उसे ढूंढ रहा हूँ मैं, डॉक्टर अनिल सुलभ के गीत क्षण में किया पराया तुमने, हृदय कितना दुखाया तुमने समेत 10 हिंदी गीतों की मधुर सांगीतिक प्रस्तुति और 10 कलाकारों को विशिष्ट कला सम्मान के साथ बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में विगत 13 सितंबर से आयोजित हिंदी सप्ताह का रविवार को समापन हो गया। गायक, संगीतकार और सम्मेलन के उपाध्यक्ष डॉक्टर शंकर प्रसाद द्वारा अनेक राग रागनियों में संगीतबद्ध किए गए और अन्य कलाकारों के साथ गाए गए गीतों के इस विशेष कार्यक्रम हिंदी के मधुर गीत और शंकर के स्वर संगीत का दर्शकों ने जी भरकर आनंद उठाया। पूरे सभागार ने हर गीत के पश्चात तालियों की गड़गड़ाहट से कलाकारों का उत्साहवर्धन भी किया। डॉक्टर शंकर ने अपनी प्रस्तुति का आरंभ बिहार के सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर जितेंद्र सहाय के हिंदी गीत जय हिंदी जय राष्ट्रभाषा